अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके फ़ोन में कौन कौन सी चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं। तो जितना हो सके चाइनीज़ एप्लीकेशंस को कम से कम यूज़ करें या फिर उनको अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल ही कर दें। सिर्फ इंडियन एप्लीकेशन को ही यूज़ करें या फिर अदर अल्टरनेटिव एप्लीकेशंस को, चाइनीज़ एप्लीकेशंस को इग्नोर करें। अब आपके सामने जितनी भी एप्लीकेशन दिख रही हैं वो सभी चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इनमें सबसे पहले आता टिकटॉक, जो कि एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप जानते ही हैं। इसके बाद आता हेलो ऐप, जो कि एक शॉर्ट वीडियो और स्टेटस एप्लीकेशन है, ये एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इसके बाद आता है बिगो लाइव, जो कि लाइव वीडियो एप्लीकेशन है जो कि चाइना ने बनाया है। इसके बाद आता है लाइव यू एप्लीकेशन, ये भी लाइव वीडियो एप्लीकेशन है जो कि चाइना ने बनाया है। इसके बाद आता है वीगो वीडियो, जो कि शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है जो चाइना ने बनाया है। इसके बाद वी मेट एप्लीकेशन भी चाइना ने बनाया है, जो कि शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन ही है। इसके बाद लाइकी, लाइकी और बिगो लाइव दोनों एप्लीकेशन ही एक कंपनी ने बनाए हैं और दोनों ही चाइनीज़ हैं, लेकिन लाइकी में आप वीडियो में इफ़ेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इसके बाद आता है कवाई एप्लीकेशन, ये भी एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है जो कि चाइना ने बनाया है। तो इन सभी चाइनीज़ एप्लीकेशन को अभी अनइंस्टॉल करें, और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जो कि इंडियन एप्लीकेशन है या फिर अदर अल्टरनेटिव एप्लीकेशन जो कि बहुत अच्छी है। और अब आपके सामने ये वो सब इंडियन एप्लीकेशन जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले शेयर चैट, जो कि शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको अच्छी अच्छी वीडियो स्टेटस मिलेंगे। उसके बाद आता है यू वीडियो, ये भी शेयर चैट की तरह ही एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है जिसमें आपको अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशंस मिलेंगे शेयर चैट की तरह ही। उसके बाद आता है मित्रों ऐप, ये इंडिया के अंदर न्यू एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, लेकिन ये सेम टू सेम टिकटॉक की डिटो कॉपी है। जैसे कि टिकटॉक को बनाया गया, वैसे कि वैसे सेम टू सेम मित्रों ऐप को बनाया गया है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये एक इंडियन एप्लीकेशन है। इसके बाद आता है रोपोसो, ये भी एक इंडियन एप्लीकेशन है, शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन जिसके अंदर आप टिकटॉक की तरह ही वीडियो बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात ये है कि इस एप्लीकेशन में कोई भी पैसा कमा सकता है। लाइक जैसे आप डेली लॉगिन करते हैं या फिर आप उसमें वीडियोस देखते हैं, आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग रोपोशो आपको डेली आपके वॉलेट में कुछ कॉइन देता, उन कॉइन को आप पैसे में कन्वर्ट करके आपके पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेज एप्लीकेशन, स्टेज एप्लीकेशन इंडियन ही नहीं बल्कि हरियाणवी एप्लीकेशन है जिसको प्रॉपर हरियाणवी लैंग्वेज में बनाया गया है। जो पर्सन हरियाणवी को बढ़ावा देते हैं वो पर्सन इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत से हरियाणवी कलाकार मिलेंगे, इसमें आपको स्पेशल हरियाणवी में रागनी, कविताएँ, चुटकुले वगैरह बहुत कुछ आपको हरियाणवी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो आप ये सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये वो फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन जिनको आप डेली यूज़ करते हैं, इन्हीं से आप फ़ोटो क्लिक करते हैं एंड इन्हीं के अंदर फिर एडिट करते हैं। B612 और ब्यूटी प्लस दोनों ही चाइनीज़ एप्लीकेशन हैं। इनकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को, जिसको वर्ल्ड का टॉप फोटो एडिटर एप्लीकेशन माना गया है, जिसको सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया ने बनाया है, लेकिन ये चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है। और ये है डाटा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जेंडर और शेयर इट। जेंडर को तो आप इतना यूज़ नहीं करते होंगे, लेकिन 97-98% पर्सन जो है शेयर इट ज़रूर यूज़ करते हैं। ये दोनों ही चाइनीज़ एप्लीकेशन है। लेकिन ये है जियो स्विच एप्लीकेशन, जो कि हमारी इंडियन एप्लीकेशन है और शेयर इट की तरह ही काम करती है। इससे आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं। इसको आप इंस्टॉल करें। ये है वीडियो एडिटर एप्लीकेशन पावर डायरेक्टर और वीवा वीडियो, जो कि दोनों ही चाइना ने बनाए हैं। इन दोनों को इंस्टॉल करके इनकी जगह मैं आपको अल्टरनेटिव एप्लीकेशन बताता हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर, जिसको साउथ कोरिया ने बनाया है। इसको आप अल्टरनेटिव एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये है ब्राउजिंग एप्लीकेशन यूसी ब्राउज़र, जो कि चाइना ने बनाया है। इसको अनइंस्टॉल करके आप सबसे बेस्ट है फ़ोन का ब्राउज़र
गूगल क्रोम ही यूज़ करें। ये है चाइनीज़ एप्लीकेशन यू डिक्शनरी, जो कि किसी भी वर्ड को अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। इसको अनइंस्टॉल करके आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। ये चाइनीज़ एप्लीकेशन न्यूज़ डॉग, जिसमें कि आप न्यूज़ पढ़ते हैं, इसको अनइंस्टॉल करके आप इंडियन एप्लीकेशन न्यूज़ हंट, या फिर इसको डेली हंट भी बोलते हैं, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आपको हर प्रकार की न्यूज़ इस एप्लीकेशन में मिलेंगी। ये है चाइनीज़ एप्लीकेशन क्लब फैक्ट्री, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है। यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। इसको अनइंस्टॉल करके फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, इन एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए। यहाँ से अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारी इंडियन एप्लीकेशन से। ये कुछ और चाइनीज़ एप्लीकेशनों के नाम, VIBO, WeChat, UC News, QU Video, Parallel Space, Apus Browser, CM Browser, UCam, Volt Hide, Selfie City, Wonder Camera, Photo Wonder, ES File Explorer, 360 Security, Clean Master, DU Battery Saver, DU Cleaner, DU Browser, DU Recorder, DU Privacy, Baidu Map, Baidu Translate, Cheetah Mobile, Kyau Kyau International, Kyau Kyau Music, Kyau Kyau Mail, Kyau Kyau News Feed, Kyau Kyau Launcher, Kyau Kyau Security Center, VSynchronize, Mail Master। इन सभी चाइनीज़ एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करें। मोस्टली चाइनीज़ एप्लीकेशंस हमारा डाटा चोरी करती हैं और हमारे फ़ोन के लिए हानिकारक भी हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि PUBG भी चाइनीज़ एप्लीकेशन है। नहीं, ये साउथ कोरिया एप्लीकेशन है, तो आप आराम से इस गेम को खेलिए, एंजॉय कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा सभी इंडियन एप्लीकेशंस। म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट में आते हैं गाना, जो कि बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है। इसके बाद विंक म्यूज़िक, ये भी बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है। अगर आपके पास एयरटेल के सिम है, तो आप विंक म्यूज़िक से फ्री कॉलर ट्यून लगा सकते हैं। इसके बाद आता है जियो सावन। पहले जियो म्यूज़िक अलग होता था, सावन म्यूज़िक अलग होता था, लेकिन जियो सावन अब दोनों एक हो चुके हैं। और अगर आपके पास जियो के सिम है, तो आप फ्री कॉलर ट्यून जियो सावन एप्लीकेशन से लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हॉटस्टार, इसमें आप अपने फेवरेट सीरियल वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट है बुक माई शो। इस एप्लीकेशन से आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं मूवी की, या आपकी सिटी में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके लिए भी आप बुक कर सकते हैं। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, जोमेटो और स्विगी। अगर आपको भूख लगी है, आपको कुछ ऑनलाइन खाने के लिए ऑर्डर करना है, तो आप इन दोनों एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि दोनों ही इंडियन एप्लीकेशन है। ये है ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस। अगर आपको कहीं पे घूमने जाना है, अगर बस में घूमने जाना है, तो आप रेड बस से कोई भी बस बुक कर सकते हैं, लाइक वोल्वो बस, AC बस। अगर आपको ट्रेन से कहीं पे जाना है, तो आप IRCTC कनेक्ट एप्लीकेशन से कोई भी ट्रेन बुक कर सकते हैं। अगर आप किसी सिटी के अंदर हैं, आपको कहीं जाने के लिए ऑटो बुक करना है, तो आप जुगनू ऑटोज एप्लीकेशन से कोई भी ऑटो बुक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे जाने के लिए कार बुक करनी है, तो आप ओला कैब एप्लीकेशन से कोई भी कार बुक कर सकते हैं। ये कुछ और अलग अलग कैटेगरी की इंडियन एप्लीकेशंस हैं। क्विकर, इस एप्लीकेशन से आपके यूज्ड प्रोडक्ट की फ़ोटो अपलोड करके उसको बेच सकते हैं, या फिर वहाँ पे जो आपको सामान पसंद आए उसको परचेज कर सकते हैं। हाइक मैसेंजर, ये व्हाट्सएप की तरह ही एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है। 1MG, इस एप्लीकेशन से आप मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं, या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। पेटीएम और फ़ोनपे दोनों ही मनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हैं, लेकिन पेटीएम से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और फ़ोनपे में ख़ास बात ये है कि आप कितनी भी ट्रांजेक्शन कर लें, आपका कोई चार्ज नहीं कटता, लेकिन पेटीएम में आपका कुछ परसेंटेज मनी ट्रांसफ़र में चार्ज कटता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। साथ में अगर आप किसी और एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, या आपको वीडियो कैसी लगी, वो कमेंट में बताएं।
और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके साथ बेल आइकन है वो भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।